दोस्तों अगर आप एक वाइन लवर हो या फिर वाइन पीना स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल द विस्की मीडिया। मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग रेड वाइन्स जैकब्स क्रीक। जी हाँ, इसके बारे में बात करेंगे और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं वाइन के ऊपर, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं कि रेड वाइन कैसे पीनी चाहिए, उसको किस चीज़ के साथ पीना चाहिए, उसको किस टेम्परेचर पे पीना चाहिए और अगर एक बार हम वाइन की बॉटल खोल लेते हैं तो वो कितनी देर तक चलेगी। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में कवर करूँगा और साथ में जैकब्स क्रीक के बारे में बताऊँगा कि ये पीने में कैसी है, किस प्राइस रेंज में ये मिल जाती है मार्केट में और इसको पीने के बाद आपको कैसा फील होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट वाइन को पीने से पहले हमें जानना होगा कि वाइन कितने टाइप्स की होती है। यूजली वाइन जो है ये 5 टाइप्स की होती है, 5 तरह की होती है। सबसे पहले वाइट वाइन, दूसरे नंबर पे रेड वाइन जो कि आप इस टेबल के ऊपर देख रहे हो जिसका आज मैं रिव्यू करूंगा, तीसरे नंबर पे आती है रोजे वाइन जो कि यूजली पिंक कलर की होती है, चौथे नंबर पे आती है डिजर्ट वाइन जो कि मीठी होती है, वो स्वीट वाइन होती है, पांचवे नंबर पे आती है स्पार्कलिंग वाइन। तो आज बात करेंगे जैकब्स क्रीक की रेड वाइन के ऊपर क्योंकि भाई जब भी रेड वाइन का नाम आता ना तो सबसे पहले जैकब्स क्रीक की ही बात होती है क्योंकि इनकी क्वालिटी, इनकी कंसिस्टेंसी एवरी ईयर सेम होती है। ये एक ऑस्ट्रेलियन वाइन है और मैं ये सुजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंडिया में कोई वाइन पीना स्टार्ट करना चाहते हो ना तो सबसे पहले आप जैकब्स क्रीक के साथ ही स्टार्ट करो। वो क्यों करो, वो आगे मैं इसकी नोजिंग और टेस्ट में आपको बताऊंगा। दोस्तों जैकब्स क्रीक के काफ़ी सारे वेरिएंट मार्केट में आते हैं, इसमें वाइट वाइन भी होती है, इसमें रेड वाइन भी होती है। अब रेड वाइन में भी काफ़ी सारे एक्सप्रेशंस मिलते हैं जिसमें से कुछ आपके सामने हैं। इनमें डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है ग्रेप की वैरायटी जो इसमें यूज़ की जाती है। सबसे पहले यहाँ पे कैबरे सोवियोन पड़ी है, उसके बाद मल्लो पड़ी है, उसके बाद कैबरे शिराज पड़ी है। तो ये आपके पैलेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से ग्रेप की वाइन पीनी है। ये तीनों ही ड्राई वाइन है। अब मैं इनकी बॉटल पिक करता हूँ और आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि वाइन कैसे होती है और इसको कैसे पीना चाहिए, किस टेम्परेचर पर पीना चाहिए और इसको पीने के बाद आपको इसको कैसे रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों ओपन करते हैं अपनी वाइन की बॉटल को। मैं पिक कर रहा हूँ शिराज कैबरने को। इसमें जो आपको अल्कोहल सेंस मिलेगी ये 13.5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मिलेगी। ये एक 750 ml की बॉटल है। इनकी छोटी बॉटल्स भी आती हैं लेकिन ये एक फुल बॉटल है। एल्कोहल सेंस जो है ये डिफर कर सकती है। साथ में मल्लोड पड़ी है, मल्लोड में आपको 14% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल सेंस मिलेगी। बोतल ओपन करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। कई लोग पूछते हैं कि रेड वाइन किस टेम्परेचर पे पीनी चाहिए, तो लोग बोलते हैं यूजली कि रूम टेम्परेचर पे पीनी चाहिए। अब भाई हमारे इंडिया में जो रूम टेम्परेचर है ना ये काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि इंडिया में गर्मी काफ़ी पड़ती है, तो नॉर्मली 30 से लेकर 32 डिग्री हमारा रूम टेम्परेचर पहुँच जाता है। लेकिन रेड वाइन हमें पीनी चाहिए 15 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक, 15 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक। तो उसके लिए इसको थोड़ी देर आपको रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा, ज़्यादा ठंडा नहीं करना, इतना सा ठंडा करना है कि इसका जो टेम्परेचर है ये 15 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक पहुंच जाए। तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ और थोड़ा सा पोर करते हैं अपने ग्लास में। दोस्तों हमारी जो वाइन है ये हमारे ग्लास में आ गई है। अब इसका कलर देख लेते हैं, कलर कैसा बन रहा है और इसकी बॉडी कैसे बन रही है। कलर इसका डार्क रेड है, चेरी रेड कलर है इसका, और जो इसकी बॉडी बन रही है ना ये मीडियम बॉडी बन रही है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अब जल्दी से इसकी नोजिंग करते हैं। चीयर्स। ऑन द नोज ब्लैक बेरीज मुझे मिल रहे हैं, ग्रेप्स मुझे मिल रहे हैं, हल्की सी पेपर का नोट इसमें आ रहा है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से इसकी जो माउथ फील होगी वो काफ़ी डिलीशियस होगी। तो जल्दी से इसका टेस्ट करते हैं। चीयर्स। मीडियम बॉडीड है,
टैनिन आपको काफ़ी अच्छे से मिलेंगे, आपकी माउथ में काफ़ी अच्छी फील देंगे। ब्लैक बेरीज काफ़ी अच्छे से मिल रहा है, ग्रेप्स का काफ़ी अच्छा एहसास आ रहा है और पेपर मिल रहा है साथ में। इन चीज़ों के साथ मैं बोलूँगा ओक का हल्का सा, ओक का टेस्ट भी इसमें आ रहा है, ओक वुड का, जो कि काफ़ी अच्छा टेस्ट इसको प्रोवाइड कर रहा है। बहुत बढ़िया रेड वाइन है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने अपनी वाइन पीने की जर्नी स्टार्ट करनी है तो आप जैकब्स क्रीक के साथ ट्राई कर सकते हो। मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा है, प्राइस रेंज भी बहुत अच्छी है इसमें, आपको नियर अबाउट सभी स्टेट्स में इंडिया में मिल भी जाएगी, अवेलेबिलिटी भी सभी स्टेट्स में है, तो बहुत अच्छी वाइन है। अब इसके साथ में आप पिज़्ज़ा ट्राई कर सकते हो, आप इसके साथ टमाटो पास्ता ट्राई कर सकते हो, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप इसके साथ ग्रिल चिकन भी ट्राई कर सकते हो। तो गाइस मुझे लगता है जैकब्स क्रीक इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट वाइन है जो मार्केट में अभी अवेलेबल है। अगर आपने अपनी वाइन जर्नी स्टार्ट करनी है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।